ओके सो टुडे वी विल डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो सबसे पहले हम इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इकोसिस्टम बेसिकली क्या है। इकोसिस्टम बेसिकली आप कह सकते हैं कि इट इज अ सेल्फ सफिशिएंट यूनिट ऑफ एन एनवायरनमेंट जो के इंट्रेक्शन से बनता है बिटवीन बायोटिक एंड ए बायोटिक कम्युनिटी या कंपोनेंट्स। ठीक है, कि जिसमें आपके पास बायोटिक कंपोनेंट्स, लिविंग कंपोनेंट्स एंड ए बायोटिक कंपोनेंट्स दोनों मिलके एक जो सेल्फ सफिशिएंट यूनिट होता है एनवायरनमेंट को, उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज एन इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम बेसिकली लाइक आपके पास पॉन्ड, लेक, फॉरेस्ट, दीज आर ऑल द नेचुरल इकोसिस्टम। एक्वेरियम जो है जिसमें फिशेज वगैरह होते हैं, दैट इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, सो इकोसिस्टम में बेसिकली कंपोनेंट्स पे आ जाते हैं कि कंपोनेंट्स कौन कौन से इकोसिस्टम के। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हमने पहले भी देखे हैं कि देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। एक नंबर वन हमारे पास ए बायोटिक कंपोनेंट एंड सेकंड वन इज द बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, ए बायोटिक कंपोनेंट्स आर दोज व्हिच आर नॉन लिविंग। All the non-living factors, all the non-living things in the environment ecosystem, that is called as, they are called as abiotic components of ecosystem. And the important जो आपके पास है, like for example, light, air, water, soils, elements, compounds, these are all the abiotic component of the ecosystems. Yeah, abiotic. non-living factors भी इनको कहते हैं। Second thing is the biotic components. Biotic components, these comprises the living parts, organisms of our ecosystem. Biotic components में हमारे पास they are further classified into producers, consumers and decomposers. जितने भी आपके पास living components हैं, वो आपके पास इन तीन categories में उसको divide किया गया है। Producers हैं, consumers हैं and decomposers हैं। These are the biotic components of ecosystem. हम देखते हैं थोड़ा सा वैसे ये हमारे पास वन बाय वन हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर्स क्या हैं, कंज्यूमर, डीकंपोजर, व्हाट आर देम। सो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स आर ऑटोट्रॉप्स दैट आर प्रेजेंट इन इकोसिस्टम। ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं? दैट आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, those are called as autotrophs organism, autotrophic organisms, like all the plants, algae and photosynthetic bacteria, these are all the producers. ये हमारे पास क्या है, ये food produce करते हैं, autotrophs है। ठीक है, so these are the first component of the ecosystem, biotic component of the ecosystem, producers आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास हमने कहा कि they are able to synthesize फूड या जिसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। ठीक है, जो फूड बेसिकली स्टार्ट होता है इकोसिस्टम में या जो बेसिस हैं वो प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट होते हैं। लाइक आपके पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो जमीन है वहाँ पे प्लांट जो है मेन प्रोड्यूसर है। एक्वेटिक में फ्लोटिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म मेनली एल्जी जो है, दे आर कॉल्ड एज फाइटोप्लैंकटन, वो आपके पास क्या है, मेन प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, एंड शेलो वाटर रूटेड प्लांट्स, ये भी हमारे पास क्या है, प्रोड्यूसर्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो जमीन पे जो प्लांट्स हैं वो हैं और एक्वेटिक एनवायरनमेंट में फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, वो हमारे पास क्या है, एज अ मेन प्रोड्यूसर्स के तौर पर है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ बायोटिक, फर्स्ट बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, सेकंड हमारे पास आ जाते हैं प्रोड्यूसर्स के बाद कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स जो हैं बेसिकली दे आर हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, हेटरोट्रॉप्स आर दोज, दे आर कंज्यूमर्स दो आर दोज व्हिच कैन नॉट हैव prepare their own food, which are not able to prepare their own food, consume करते हैं। consumer नाम से जाहिर हो जाता है कि these are the consumer जो कि consume करते हैं, means कि अपना food खुद prepare नहीं करते बल्कि ये अपना food किस से लेते हैं, producer से लेते हैं जो कि produce कर रहे होते हैं, और consumer जो है वो उनसे consume करें ले रहे होते हैं। ठीक है, it include all animals like जैसे humans जो हैं, fungi हैं, protozoans हैं and many of bacteria, वो भी आपके पास किस में आ जाते हैं, कंज्यूमर्स में आ जाते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम में जो मेजर कंज्यूमर्स हैं दे आर एनिमल्स जो कि आपके पास प्लांट्स को जो है वो कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूसर्स को सारे कंज्यूम करते हैं। इनको हम फर्दर जो है वो एनिमल्स में इनको फर्दर जो है वो दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं हर्बीवोर एंड सेकेंड को हम कहते हैं कौन सा, कार्निवोर।
हर्बीवोर हमारे पास क्या होते हैं, हर्बीवोर विच ईट हर्ब्स विच ईट प्लांट्स लाइक जैसे कैटल है, डियर, रैबिट, ग्रास ऊपर, ये हमारे पास हर्बीवोर वो एनिमल्स हैं जो सिर्फ प्लांट्स को ईट करते हैं, इनको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड एज हर्बीवोर एंड दे आर कंज्यूमर। कार्निवोर वो एनिमल्स हैं जो कि आपके पास मीट ईटिंग होते हैं, जो कि आपके पास गोश्त खाते हैं, ठीक है। और इसमें एक थर्ड कैटेगरी भी आ जाती है ओमनीवोर। ओमनीवोर आर दोज कंज्यूमर्स जो कि आपके पास दोनों को ईट करते हैं, हर्बीवोर को भी, प्लांट्स को भी ईट करते हैं और आपके पास मीट भी ईट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइक जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस आर ओमनीवोर, ह्यूमन जो है वो देखे प्लांट्स को भी ईट करते हैं और साथ में आपके पास गोश्त भी खाते हैं। ओके सो जो कार्निवोर ना जो हमारे पास, इनको आगे हम अगर देखें तो इनकी तीन कैटेगरी बनती है। सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, प्राइमरी सेकेंड भी है और थर्ड आपका टर्शियरी कंज्यूमर्स है। प्राइमरी कंज्यूमर जो है दे फीड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स आर प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स, जो कि डायरेक्टली क्या करते हैं प्लांट को ईट करते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास डियर है, जैसे आपके पास रैबिट वगैरह हैं, दे आर द प्राइमरी कंज्यूमर जो कि डायरेक्टली प्लांट को ईट करते हैं, ठीक है। देन आगे आपके पास आ जाता है कार्निवोर या सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर जो हैं वो हैं जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को ईट करते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर में एनिमल्स आ जाते हैं जैसे कैटल, डियर वगैरह, तो सेकेंडरी कंज्यूमर जो हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर को ईट करते हैं। अब सेकेंडरी कंज्यूमर जो हैं वो किसको ईट कर रहे हैं, प्राइमरी को, प्राइमरी में एनिमल्स हैं तो मीन के वो मीट को खा रहे हैं, तो सेकेंडरी कंज्यूमर को हम प्राइमरी कार्निवोर भी कहते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट है जो आपके डायरेक्टली कार्निवोर जो कि आपके पास ईट को करते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी कंज्यूमर आर आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कार्निवोर, ये आपके पास हर्बीवोर पे क्या करते हैं, ईट करते हैं, ठीक है। जैसे फॉक्स है, फ्रॉग, प्रेडेटरी बर्ड, फिश, स्नेक्स वगैरह, ये सारे आपके पास क्या है, प्राइमरी कार्निवोर है या सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी कंज्यूमर आर दोज विच ईट अ सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। और टर्शियरी कंज्यूमर में आपके पास इनको हम सेकेंडरी कार्निवोर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी कार्निवोर को ईट करते हैं, जैसे वुल्फ, ऑल, आउल वगैरह हैं, दे आर द टर्शियरी कंज्यूमर्स आर सेकेंडरी कार्निवोर, ठीक है। देन आपके पास आ जाता है टर्शियरी कार्निवोर, फॉर एग्जाम्पल लायन, डियर, टाइगर एटसेट्रा, ये टर्शियरी कार्निवोर जो है वो बेसिकली सेकेंडरी कार्निवोर को ईट करते हैं। एंड टर्शियरी कार्निवोर जो है दे आर नॉट ईटन बाय एनी अदर, दे आर आल्सो कॉल्ड एज टॉप कार्निवोर। जो टर्शियरी कंज्यूमर जैसे लायन, टाइगर वगैरह, ये किसी और इनको ईट नहीं करता और इसलिए इनको हम टॉप कार्निवोर का नाम भी देते हैं, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड आपके पास आ जाता है कंज्यूमर्स की कैटेगरीज आ जाती है, ठीक है। थर्ड कैटेगरी आपके पास आ जाती है बायोटिक कंपोनेंट्स में, देयर आर द डीकंपोजर। डीकंपोजर्स डीकंपोजर जो है हमारे पास वो हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, डीकंपोज कर रहे हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजर्स या रिड्यूसर्स भी कहते हैं, जो कि इन चीजों को रिड्यूस करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को जो कि डेड होते हैं, लाइक प्लांट्स, एनिमल जब डेड हो जाते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद। तो वो खत्म कैसे होते हैं, डेड और बिकॉज ऑफ द डीकम्पोजर्स, ठीक है। डीकम्पोजर्स उनको क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं इंटू सिंपल कंपाउंड्स। ये हमारे पास जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनमें होते हैं जो के डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल्स को डाइजेस्ट करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, टू डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सो जैसे हमारे पास फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, ये हमारे पास क्या है, जैसे डीकम्पोजर के तौर पर काम करते हैं, मीन इनके पास आपके पास जो है इनके पास स्पेशल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा, डाइजेशन के बाद जो डीकम्पोजर्स हैं वो उन प्रोडक्ट्स को फॉर देयर ओन यूज अपने फूड के तौर पर यूज करते हैं, और जो रिमेनिंग है वो आपके पास किस में ऐड हो जाता है, एनवायरनमेंट में ऐड हो जाता है, ठीक है।
ये हमारे पास आ जाते हैं कैटेगरी, इसमें आप बैक्टीरिया फंजाई वगैरह सारा कुछ इसमें आ जाता है, डीकम्पोजर्स में आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं, ये बताया हुआ है प्रोड्यूसर कंज्यूमर डीकम्पोजर्स का। ये आपके पास प्रोड्यूसर हैं जो कि आपको बस प्लांट्स हैं जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर हर्बीवोर हैं, हर्बीवोर प्रोड्यूसर्स को जो है वो ईट कर रहे होते हैं, प्राइमरी कार्निवोर या इनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर कह सकते हैं, इसको हम प्राइमरी कंज्यूमर कह सकते हैं, ये आपके पास इसको ईट करता है, फिर सेकेंडरी कार्निवोर इसको ट्रशी कंज्यूमर कहते हैं, ये इसको ईट करता है, और ट्रशी कार्निवोर है वो इसको क्या करता है, ईट करता है, ठीक है। सो डीकम्पोजर यहाँ पे अगर प्लांट डेड हो जाते हैं तो वो डीकम्पोज करता है, यहाँ पे अगर इनमें से कोई डेड हो जाता है तो उनको भी ये डीकम्पोजर है वो डीकम्पोज कर देता है, ठीक है। सो ये हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम के, तो दिस इज इट। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू द टॉपिक तो वो पूछ रहे मुझसे।